शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब से यही मेरा घर है और यही मेरा परिवार। इस घर में मेरी डोली आई थी और इसी घर से मेरी अर्थी जाएगी। पापा जी, बेटा तू ये क्या कह रही है? मैं वही कह रही हूँ जो आपने सिखाया है। आप ही के दिए हुए संस्कार है पापा जी। मुझे माफ कर दीजिए, पर आप यहां से चले जाइए। ए कालिन वाले, सुनाई नहीं दिया क्या? तुम्हारी बेटी बोल रही है कि जाओ यहां से, नहीं तो पहले की तरह धक्के मार के बाहर निकाले जाओगे। आयुष्मान, पापा जी का ख्याल रखना। और तुम अपना ख्याल रखना बेटा। इसी हवेली में उस दिन आप लोगों ने मेरी औकात दिखाई थी और आज इसी हवेली में कोई आप लोगों को आपकी औकात दिखाकर यहां से चला गया। पता नहीं हमारी काव्या के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही। हे महादेव, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी बच्ची की? पार्वती जी, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। क्या हिम्मत रखूं? एक तरफ हमारी काव्या पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और दूसरी तरफ मैं आपकी जिद से परेशान हूं। जब आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था तो आप हवेली क्यों गए? ये आपको कुछ? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूं पार्वती जी। और रहा सवाल काव्या का, तो एक बात बताना चाहता हूं। भवानी जी ने उसे बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफ दी और मैंने भी कसम खाई थी कि अब मेरी बेटी उस चौखट पर कदम नहीं रखेगी। लेकिन मेरे लाख कहने के बावजूद काव्या ने मना कर दिया। नहीं आई मेरे साथ, माफी मांगी उसने,
उसने कहा, पापा जी अब यही मेरा घर है, ये लोग मेरे परिवार हैं। उसकी बातें सुन के लगा कि अब हमारी बिटिया वो छोटी सी गुड़िया नहीं रही जिसे जिसे हम गोद में लेके घुमा करते थे। बहुत बड़ी हो गई है वो, बहुत बड़ी, सक्षम हो गई है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकती है। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा, महादेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। क्यों दो कौड़ी की महारानी? वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसी हवेली में उस दिन आप लोगों ने मेरी औकात दिखाई थी और आज इसी हवेली में कोई आप लोगों की औकात दिखाकर चला गया और आप लोग कुछ नहीं कर पाए। कल जिस जगह पर खड़ा होकर मैं जलील हो रहा था, अपमानित हो रहा था, आज आप लोग उसी जगह पर खड़े होकर अपमानित हुए। कल मैं लाचार था, आज आप लोग लाचार हैं। दादी, 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 माँ, पापा, जल्दी आइए। दादी, दादी प्लीज उठिए। अम्मा जी, अम्मा जी, क्या हुआ इन्हें? दादी, दादी प्लीज उठिए ना। अम्मा जी, पानी पीजिए। दादी, अब ठीक तो है ना? मत छुओ हमें, हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। दूर हो जाओ हमारे नजरों के सामने से, जाओ। अब ये क्या नया नाटक है? ठीक है, सब तुम लोग जाओ यहां से, जाओ जाओ, सब हमें अकेला छोड़ दो। आज से हम हमारा चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे। अम्मा, दादी, दादी, दादी माँ, दरवाजा खोलिए, दादी दरवाजा खोलिए। अम्मा, ये अम्मा जी कहीं खुद को कुछ करने ले। अम्मा दरवाजा खोलिए। दादी माँ दरवाजा खोलिए। दादी माँ, दरवाजा पीटने की कोई जरूरत नहीं है, हम बाहर नहीं आएंगे। सब जाओ यहाँ से। दादी माँ प्लीज दरवाजा खोलिए, दादी माँ मेरी बात सुनिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस कनौर का चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा। सबसे पहले निकलवाता हूँ इसकी पूरी जन्म कुंडली के आखिर ये है कौन। काव्या और करण के
इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।